लगातार हो रही वारदातों से लगता है अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म होता जा रहा है। जानकारी अनुसार ताजा मामला है फरीदकोट शहर का। यहां के रहने वाले रजेश चाठी नामक युवक ने बीती शाम करीब 5 बजे नई ब्रीजा कार खरीदी थी और उसी रात करीब 10 बजे जब वह परिवार सहित नई कार में यहां के हवेली रेस्टोरेंट से वापस आने लगे तो लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर उनसे कार छीन ली। ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। कल गड्डी लेके आंदी सी नवी ब्रीजा ते शामी डिनर करन गए हैं हवेली रेस्टोरेंट। उतों 10 बजे बाहर निकले हैं उदो मैं गड्डी स्टार्ट की थी तो उन्हें गन पॉइंट से मेरे तो गड्डी गई वापस। वो मैं पहले तो मैं समझा पता नहीं कौन है, मैं ऐ बोलिया जो उन्हें गन कढ ली फिर मैं चुप करके गड्डी बाहर निकल गया। किन्ने जने सी? मैं तो बेटा नाल सी। वैसे असी गए तो पूरी फैमिली सी। जो गड्डी स्टार्ट की उदो मैं तो मेरा बेटा नाल सी। वो दो जने सी जी, एक उस साइड तो आया गड्डी दी, एक उस साइड तो आया। बने हुए सी दोनों। हथियार भी सी उन्हां कोल? पिस्टल सी जी। पुलिस से मामला दर्ज कराया था? हाँ जी, हाथी कर दी। हाथी पुलिस डिपार्टमेंट भी आई थी, सीसीटीवी वगैरह भी चेक की थी उन्होंने। फरीदकोट से जागृति लहर के लिए गुरजीत रुमाना की रिपोर्ट।